बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में AQI पहुंचा 350 के पार, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम में भी खतरनाक स्तर पर जो प्रदूषण है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और धौलकुआ, आरकेपुरम, सफदरजंग, शांतिपथ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो जीरो है और हवा की जो गुणवत्ता है वो भी बेहद खराब बनी हुई है। और यही चिंता जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जताई गई है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। आपको ये भी जानकारी, ये भी अपडेट यहाँ पर दे देते हैं, स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं एक बार फिर से। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते आखिरकार जो जीवन है वो किस तरीके से पटरी पर आए, क्योंकि प्रदूषण जो है वो भी बेहद खतरनाक स्तर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। नॉर्मल सिचुएशन थी जब साइकिलिंग करते थे तो मतलब थकान नहीं होती है और विजिबिलिटी भी अराउंड 1 किलोमीटर 700 मीटर के लगभग रहती है। लेकिन अब जब सुबह साइकिलिंग के लिए निकलते हैं तो कुछ देर बाद में मुंह के अंदर डस्ट पार्टिकल्स फील होने लगते हैं और कुछ देर बाद में तो ऐसे लगता है कि हाँ लंग्स में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो ये काफ़ी सीवियर है। गवर्नमेंट को, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे मेट्रो में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट।